हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा में मनोनीत किए गए नवनियुक्त सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार शनिवार को पहली बार ऊना पहुंचे। इस दौरान राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ने कांग्रेस के संगठनात्मक फेरबदल पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपना संगठनात्मक फेरबदल नहीं किया है, अपितु अपनी ही पार्टी के नेताओं को बस एडजस्ट करने की कोशिश की है। मैं 99% जो आज मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है, जनता में उत्साह है कि भारतीय जनता पार्टी रिपीट तो करेगी लेकिन 50+ के साथ करेगी। और जुलाई तक मैं आपको कह रहा हूँ, पहले भी मैं अपने पत्रकार मित्रों से कहा कि जुलाई तक आप लोग भी मानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जो है ये जो मिथ्या कांग्रेस एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी ये टूटने जा रही है, इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी जयराम जी की रक्षा में फिर सरकार बनाने जा रही है। लेकिन कांग्रेस जो है वो अपनी नई टीम के साथ मैदान में उतरी है और लगातार वो नई टीम नहीं मैं मानता हूँ क्योंकि वो तो सारे एडजस्ट किए गए हैं, क्योंकि अगर उनको एडजस्ट नहीं किया जाता तो वो कुछ भी कर सकते थे। कांग्रेस जो है वो लगातार प्रदेश में लचक कानून व्यवस्था के आरोप लगा रही है। देखिए ऐसे है कि कानून व्यवस्था बिल्कुल ठीक है लेकिन वो हमेशा सत्ता में रहे और जब भी सत्ता से बाहर होते तो इस तरह के आरोप लगाते रहते हैं। बात की जाए हाईकमान कांग्रेस की तो चिंतन शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, उनका कहना है कि इन शिविरों के बाद जो है वो कांग्रेस जो देश भर में ऐसे है कि हर एक पार्टी अपने स्तर पर जो है वो तैयारी करती है, संगठनात्मक गतिविधियों में भाग लेती है, वो भी ले रहे हैं, हम भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। ठीक है।